गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम मैथ्स का ये थर्ड चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नेम है एडिशन ऑफ नंबर्स। एडिशन मीन्स होता है जोड़ना। क्या होता है? जोड़ना, किसी भी चीज़ को जोड़ना या नंबर्स को जोड़ना। जैसे यहाँ पे नंबर्स लिखे हैं, संख्याओं का जोड़ या संख्याओं को जोड़ना। तो आपने इससे प्रीवियस क्लास में भी वन डिजिट की तो एड की हुई है, टू डिजिट की भी की हुई है। आपको पता है कि इसका निशान कैसा होता है, एडिशन का निशान आपका इस तरीके का होता है। ओके, तो इससे पहले हम क्लास सेकंड में टू डिजिट की और थ्री डिजिट की ऐड कर चुके हैं, विद कैरी और विदाउट कैरिंग। ओके, तो अब हम इसके जो एक्सरसाइज है 3.1 ये स्टार्ट करने जा रहे हैं। मैं आपको बताती हूँ यहाँ पे ये कैसे करना है। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द सम। ओके, फाइंड मीन्स होता है ढूंढिए, सम मीन्स इनका जो ढूंढना है। तो यहाँ पे देखिए, ये एडिशन का निशान लगा हुआ है, ऊपर क्या लिखा हुआ है 48, नीचे 99। अब हम इसको यहाँ पे आप क्या करेंगे, प्लेस वैल्यू डाल देंगे, वंस टेंस। ओके, देन आप उसके बाद इनको ऐड करेंगे 8 एंड 9, कितना हुआ आप फिंगर्स पे काउंट कर सकते हैं, 17 कितना हुआ, 17। तो आप यहाँ पे 17 आ गया आपका, ठीक है। तो यहाँ पे वंस है, ये टेंस है, तो वंस की जो डिजिट है वो आप वंस की प्लेस पे लिखेंगे और जो टेंस वाली है उसको आप यहाँ पे कैरी देंगे। ओके, 4 एंड 9 काउंट कीजिए, कितना हुआ 4 एंड 9, 13, 13 एंड 1 कितना हुआ, 14। अंडरस्टूड? नेक्स्ट इज, फिर से नंबर लिखो, आपको क्या दिया है 99, नीचे कितना है 24। यहाँ पे लिखेंगे हम प्लेस वैल्यू इनकी वंस एंड यहाँ पर टेंस। ओके, देन ऐड 9 एंड 4 कितना हुआ, 9 तो ये है और 4 ये, कितने हुए 9 एंड 4 13। अब जैसे 13 था ये, फिर से यहाँ पे वंस, यहाँ पे टेंस, वंस का 3 आ गया और टेंस का 1, यहाँ पे कैरी चला गया इसके ऊपर। 9 एंड 2 ऐड 9 और उसमें 2 और जोड़ दीजिए तो कितना हुआ 11, 11 ऐड 1 कितना हुआ 12। जैसे ये 9 थे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ओके, ये 9 हो गया, उसके बाद 2 और ऐड कर दीजिए तो कितना हुआ, ये 9 थे, 9 10 11 11 और एक कैरी था हमारा तो कितना हुआ 12। यहाँ पे आप लिखेंगे 12। ओके स्टूडेंट्स, इस तरीके से आपको ये सारे सम करने हैं। अब ये तो थे टू डिजिट के, अब हम आ गए हैं हमारे 3 डिजिट के। ओके, अब यहाँ पे भी आप क्या करेंगे, पहले प्लेस वैल्यू राइट करेंगे, वंस टेंस 100। ओके, 6 एंड 6 ऐड 6 एंड 6, 6 एप्पल्स हैं आपके पास मान लीजिए और 6 मैंने और दे दिए तो कितने हो गए 12 हुए। ये वंस है, ये आपका टेंस है, 2 यहाँ आ गया आपका और ये जो 1 था वो कैरी चला गया टेंस में। तो 5 एंड 4, 5 एप्पल्स से 4 और दे दिए कितना हो गया 9 ऐड 1, 1 एप्पल और आ गया आपके पास तो कितना हो गया 10। तो 10 था ये आ गया आपका और 1 जो हो गया वो ऊपर चला गया तो 4 8 कितना हुआ 4 एंड 8 12 12 एंड 1 13। ओके, इस तरीके से कर सकते हैं। अब ये 3 सम आप खुद करेंगे। उसके बाद है ये मैं आपको समझाती हूँ। देखो, आपने ये 2 का किया था, अब आपकी थर्ड लाइन भी आ चुकी है। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, वंस टेंस 100। ओके, ये कितना है 5 और ये 8, 5 और 8 को जोड़ दीजिए कितना हुआ 13, 13 का 3 आ गया, 1 कैरी चला गया यहाँ तो 4 एंड 1 5, 5 एंड 7 कितना हुआ वेरी गुड 12। तो 12 का हमने 2 लिख दिया, 1 कैरी चला गया, 3 एंड 1 4, 4 एंड 6 कितना हुआ 4 एंड 6 10, 10 एंड 9 19। तो इस तरीके से आपने इनको ऐड करना है। ये 4 सम मैंने करवा दिया और ये आप उसके बाद अपने आप करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ऐड। ये तो आपको स्पेस दे रखी थी, जिसमें स्पेस नहीं दे रखी है उन क्वेश्चंस को आप कैसे करेंगे, इसके लिए हमारे पास सॉल्यूशन है। देखिए ये क्वेश्चन क्या लिख रखा है, 756 एंड 93। तो आप इसको किस तरीके से ऐड करेंगे, देखिए
सबसे पहले आप यहाँ पे प्लेस वैल्यू लिखेंगे वंस टेंथ हंड्रेड, ओके। फिर आप फर्स्ट नंबर को लिखेंगे जो दे रखा है, उसके बाद उसके सेकंड नंबर को, जो सेकंड नंबर है जैसे ये 93 है तो आप यहाँ पे इसकी प्लेस वैल्यू लिख लो। अगर आपको नहीं पता तो वंस जो है वो वंस के नीचे आएगा, जो टेंथ है वो टेंथ के नीचे आएगा। आप ऐसे नहीं करेंगे कि 9 यहाँ लिख दिया और 3 यहाँ लिख दिया, ये गलत हो जाएगा। अब आप इनको काउंट कीजिए, 6 एंड 3 कितना हुआ 9, 9 एंड 5 कितना हुआ 9 एंड 5 14, तो 14 का 4 यहाँ पे आके और 1 कैरी चला जाएगा और 7 और ये 8 बन जाएगा। अंडरस्टूड? इसी तरीके से जो नेक्स्ट सम है ये होगा। अब उसके बाद आती है हमारी, यहाँ तक तो ये सेम है, नेक्स्ट है हमारा ये वाला फिफ्थ वाला। तो मैं आपको फिफ्थ वाला करके दिखाती हूँ, यहाँ पे क्या क्या लिख रखा है इसने, 45, 946 एंड 243, ओके। तो देखिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, यहाँ पे वंस टेंस और हंड्रेड डालेंगे, ओके। तो पहले क्या है 45, तो यहाँ पे वंस टेंस, वंस टेंस हंड्रेड, वंस टेंस और हंड्रेड। तो ये है वंस के नीचे 5, टेंस के नीचे 4। नेक्स्ट नंबर क्या है 946, तो यहाँ से लिखेंगे हम 6, 4 टेंस के नीचे 900 के नीचे। नेक्स्ट इज 243, 3, 4 टेंस के नीचे 200 के नीचे। जहाँ पर नहीं है वहाँ पे आप खाली छोड़ सकते हो, ज़ीरो भी लगा सकते हैं पर आप खाली छोड़ दीजिए, कोई बात नहीं। 5 एंड 6 को ऐड करेंगे, जैसे मैंने आपको पहले बुक वाला करवाया है, 5 एंड 6 11, 11 एंड 3 14, 1 कैरी चला गया। 4 एंड 4 8, 4 12, 1 13, तो 1 कैरी चला गया। 9 एंड 1 10, 10 और 2 12, ये आपका क्वेश्चन बन गया। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको समझ में आ गया होगा, और इन सम की आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि जो ये एडिशन है ये फुल चलेगा आपका, ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट एक्सरसाइज की वीडियो नेक्स्ट उसमें डे में देंगे, ओके। तब तक आप इनके अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, और जैसे मैंने बताया है बिल्कुल इसी तरह से आप अपनी नोटबुक में बिल्कुल नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग में करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।